मैंने कई बार कहा है कि अगर तुम एक रिएक्ट प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सकते हो तो तुम्हारी जॉब लगनी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भैया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाए कैसे, थोड़ा वो बता दीजिए। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोज है रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको लेकर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। मुझे लगता है कि वो सारे के सारे वीडियोज बहुत ही खराब है। बहुत खराब है इसलिए क्योंकि वो एक बिगिनर को एक ऐप कैसे बनाना चाहिए, एक बिगिनर को एक फुल स्टैक ऐप कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीजें ओवरवेलमिंग लगती हैं। अगर आपको पहले दिन ही बोला जाए कि ये 5-10 पैकेज इंस्टॉल करो, ऐसे अपना ऐप को सेटअप करो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। गलती वहीं होती है, गलती ये होती है कि हम सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे रास्ते से एक बार में सब कुछ सही से बना ले। जब आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से पूछोगे तो कोई प्रोजेक्ट इस तरह से शुरू होता ही नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू ऐसे होता है कि आप एक बेसिक चीज पे काम करना शुरू करते हो, धीरे धीरे उसके अराउंड स्ट्रक्चर आता है और खूब सारा रिफैक्टर होता है कोड में। रिफैक्टर मतलब क्या होता है, कोड को यहां से उठा के इस ये कोड में, इसमें मैंने इतने सारे लाइंस लिख दिए, अच्छा इसको यहां से उठाकर यहां रख देते हैं, इसको उस फाइल में रख देते हैं, इसको ये फोल्डर बना देते हैं। ऐसे होता है काम, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि पहले मैंने एक फोल्डर बनाऊंगा, फिर उसमें फाइल लगाऊंगा, फिर फाइल लगाऊंगा। वो तो जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे तब करोगे ना। बिगिनर को तो बेसिक चीजों से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो एक रिएक्ट ऐप कैसे बनाए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ई कॉमर्स ऐप ले लेते हैं। अगर आपको एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले जाओ package.json में 50,000 चीजें इंस्टॉल करो और तुरंत जाके एक फायरबेस पे अकाउंट बनाओ और ये करो और वो करो। नहीं, एक ई कॉमर्स ऐप का या जो भी ऐप आपको बनाना है, आपको सबसे पहले पूछना चाहिए कि इस ऐप का सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या है या पेजेस क्या है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स ऐप पे जाते हो, एक फ्लिपकार्ट ऐप पे जाते हो या किसी भी ई कॉमर्स ऐप पे जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, जहां पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, क्योंकि वहीं से तो आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर पाते हो। और दूसरा पेज क्या होता है, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, जहां पे प्रोडक्ट के डिटेल्स होते हैं, सारा कुछ लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में क्या है, एड टू कार्ट कर सकते हो। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कार्ट में जाना। बस तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, अगर आप सोचोगे कि मैं सारे फीचर्स बना दूंगा दुनिया के तो बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, अगर सारे फीचर्स पहले सेट कर दूंगा तो बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा। तो ओवरवेलमिंग ना लगे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाना चाहिए। उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में भी आपको दो चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले आपका ऐप क्या है, आपका ऐप रिएक्ट ऐप है तो आपको रिएक्ट आना चाहिए और आपको रिएक्ट दिखाना आना चाहिए कि यार देखो मुझे रिएक्ट आता है। तो जब आप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज देखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्ट का क्या होता है, एक तो उसको JSX के थ्रू दिखाना, पूरा का पूरा पेज को रेंडर करना, और दूसरा उसमें फिल्टर्स लगाना। जो आप फिल्टर्स देखते हो, हाई टू लो, सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, सॉर्ट बाय प्राइस, उसके बाद आप देखते हो कि 8GB RAM, 4GB RAM अगर फोन का पेज देख रहे हो तो, उसके बाद आप देखते हो कि ब्रांड से फिल्टर कर सकते हैं, ब्रांड का सर्च लगा रहता है, ये सब जो पीसेस हैं, ये पीसेस देख रहा है जो आपका इंटरव्यूअर है, आपका हायरिंग मैनेजर है, वो चाहता है कि आप ये रिएक्ट के ये फीचर्स दिखा पाओ। आप कहां अटकते हो पता है, आप अटक जाते हो CSS पे कि अरे भैया सुंदर नहीं लग रहा है, पर भैया CSS में बहुत टाइम लग रहा है, अरे भैया CSS रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो पहले करना ही नहीं है ना, गलत चीजों में क्यों अटक रहे हो। एक कहानी सुनी थी आप लोगों ने बचपन में कि एक बार कहीं से चार लोग जा रहे होते हैं तो उन लोगों को एक मरा हुआ शेर दिखता है, उसके अस्थि पंजर दिखते हैं, तो उसके हड्डियों से वो शेर को वापस से जिंदा कर लेते। तो पहले उस कहानी में क्या करते, पहले हड्डियां लगाते हैं, फिर हड्डी के ऊपर मांस लगाते हैं, फिर मांस के ऊपर स्किन लगाते हैं, फिर जान लगाते हैं, उसके ऊपर जान देते हैं, ऐसा करते हैं ना। हालांकि कहानी ऐसा कहती है कि शेर उन सबको खा जाता है, पर वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप कुछ बिल्ड करने जाओगे, अगर आप बिल्डिंग बिल्ड करने जाओगे तो पहले आप जो है उसके पिलर्स बिल्ड करते हो, ना कि पहले इसके शीशे, दीवार, पर्दे, सोफे, ये सब टाइल्स, ये सब पहले नहीं होता, पहले होता है बेसिक। तो बेसिक क्या है, बेसिक ऐप के, एक जैसे ई कॉमर्स ऐप है, ये तीन चीजें हैं, तो ये तीन फीचर्स के बेसिक लगा दो पहले, कि मैं यहां से ये प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज मैंने बना लिया, ये प्रोडक्ट डिटेल पेज बना लिया, ये कार्ड बना लिया, अपना आपने इतना बेसिक किया। CSS में घुसो मत, अभी बिल्कुल भी मत घुसो, और इस पेज को रेंडर करके इसमें जो फिल्टर वाली चीजें हैं वो सब भी चीजें जो हैं, आप अभी बैकएंड में भी मत घुसो। क्या ये वीडियो बाकी प्रोजेक्ट वीडियो से थोड़ा हटके लग रहा है, अगर हाँ तो कमेंट मुझे जरूर बताते जाना। तो आपको पहले सारा का सारा टेंशन हटाना है और पहले रिएक्ट के पीसेस बनाने हैं। तो पहले आपको बेसिक्स लगा देना है, जब आपने ये तीन पेज बना लिए तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक राउटर इंस्टॉल करना है और उस राउटर में ये तीनों चीजें
डाल देनी ताकि आपको एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज दिख जाए। अभी होम पेज की भी जरूरत नहीं है, अभी कैटेगरी पेज की भी जरूरत नहीं है, अभी तो बस एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज से जब मैं क्लिक करूं तो वो उस प्रोडक्ट पेज पे चले जाए, जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो वो कार्ट पेज पे चला जाए। बस मुझे तीन राउट्स जिंदा करके दे दो, बस इतनी जरूरत है। इतना भी जब आप बना लेते हो तो आपको बड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब जो बाकी चीजें हैं ना वो छोटी छोटी हैं। तो सेकंड चीज क्या लगती है आपको कि इसमें CSS डाल देते हैं। CSS के चक्कर में आप फंसते हो, आप क्या करते हो, आप खुद अपने आप को डिसेबल कर देते हो। क्यों यार, आप डिजाइनर तो हो नहीं, तुम हो तो नहीं डिजाइनर, तो तुम डिजाइनिंग वाला काम क्यों करते हो और उसमें तुम्हारा इतना सारा टाइम जाता है कि मैं अपना स्टाइल दूंगा। नहीं भाई, कोई भी ई-कॉमर्स ऐप चला जाए यार, Shopify पे किसी भी एक स्टाइलिंग का थीम उठा ले और उसको थीम को बस कॉपी कर ले। एज अ डेवलपर तुम्हारा काम डिजाइन सोचना तो नहीं है ना, तुम्हारा काम तो ये है कि भाई अगर मुझे ये डिजाइन दिया गया है तो क्या मैं ये जो फिग्मा में है इसको CSS में कर सकता हूँ। अब तुम बोलोगे भैया CSS इन JS लाइब्रेरी कौन सी लगाए, क्यों लगानी है, बिल्कुल मत लगाओ। फिर से मैं वही बात कहूंगा, रीफैक्टरिंग करना इजी होता है बाद में और उतना टाइम आपको एज ए डेवलपर लगाने आना चाहिए रीफैक्टरिंग करने का। अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो अगर आप सोचोगे कि एकदम बढ़िया लाइब्रेरी लगा दें, अब मैं ये चला स्टाइल्ड कंपोनेंट सीखने, अब मैं चला ये सीखने वो सीखने, मत कर यार, बस CSS लगाना, चुपचाप CSS लगा दो .module.css करके फाइल कंपोनेंट के साथ साथ उसके CSS फाइल रख दे और उसको इंपोर्ट करके CSS लगा दे। बिल्कुल बेसिक रख, कुछ उसमें चलाकी करी मत, अभी टेलविंड में मत घुस, अभी चक्रा में मत घुस, अभी थीमिंग के चक्कर में मत पड़, वो सब हो जाएगा, रिफैक्टर करेंगे फिर से वो सब हो जाएगा। जब तुम्हें मजा आने लगेगा, जब तुम्हारे बहुत सारे साइकिल्स बहुत सारा टाइम स्पेंड इसमें लगने लगेगा तो ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अभी आपके पास बैकएंड नहीं है, मैं कहूंगा अभी बैकएंड के चक्कर में पड़ो भी मत। रिएक्ट में आपको तो स्टेट मैनेजमेंट दिखाना है ना, API कॉस्ट दिखाने का जब टाइम आएगा तो वो भी दिखा लेंगे। अब आप क्या करो, थोड़ा सा पॉलिश करो, एक होम पेज बना लो, ठीक है, एक कैटेगरी पेज बना लो, तो आपका ई कॉमर्स पेज थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब मन करे तो विश लिस्ट बना लो, क्यों, क्योंकि अब आपकी आपको एक डिजाइन मिल गया है, CSS पे हाथ साफ हो गया है, रिएक्ट पे हाथ साफ हो गया है, तो अभी एक नया चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले इसको थोड़ा अच्छा बना लेंगे। इतना भी तुम बना लोगे तो तुम लोगों को दिखा पाओगे और तुम्हें मजा आएगा कि यार क्या है, मेरा जिस चीजों में हाथ साफ हुआ मैंने उनको और बना लिया और मेरा ऐप अब बढ़िया हो गया है। अब क्या करना है, अब एक बैकएंड चाहिए। बैकएंड का तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है। बैकएंड तो आप एक कुछ एक एक्सप्रेस सर्वर पे यही डेटा को बैकएंड पे रख दो। अभी आपको ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं पर्सनलाइजेशन सेव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ये सब परेशानी में पड़ो ही मत कि मैं एड्रेस लेके सेव कर पाती हूँ, नहीं। अभी तो बस आपको ये दिखाना है कि मुझे API कॉल करने आता है। नियोजी में तो मैं बच्चों को बोलता हूँ Miraj.js यूज कर लो, हमने बना दिया एक सिंपल सा API का खाका, वो बच्चे वो एक फाइल लगा देते हैं और उनको एक बैकएंड मिल जाता है आराम से, तो /API पे कॉल करते हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये नहीं दिखाना है कि आप बैकएंड भी कर सकते हो, आप डेटाबेस भी कर सकते हो, वो भी टाइम आएगा। उसके लिए क्या करते हैं बच्चे बेचारे, नहीं तो Firebase के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं तो MongoDB के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक्सप्रेस सीखने लगते हैं। नहीं, पहले आपको रिएक्ट एज ए स्किल दिखाना है, बस फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज ए स्किल दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि आप बैक एंड पे कॉल करके डेटा ला सकते हो और डेटा भेज सकते हो, बस इतना दिखाना है। इतना जब आपने दिखा लिया और आपका ऐप फुल फ्लेज्ड बन गया Miraj.js, थैंक्स टू Miraj.js, तो आप उसमें ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। ऑथेंटिकेशन भी क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, एक टोकन होता है, वो भी Miraj.js में बना सकते हो चाहो तो। उसके बाद आपको बैक एंड का कोई टेंशन नहीं रहा, अब आपका ऐप पूरा रेडी है। उसमें आपने क्या किया, एक टेस्ट यूजर को हार्ड कोड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा पैकेजेस से, ज्यादा लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छा होता है कि जितना आपने बनाया है उसको आपने थॉरली टेस्ट किया है, अच्छे से टेस्ट किया है, टेस्ट यूजर डाल के सब कुछ, सारे राउट, सारे बटन, सारे स्लाइडर, सारे सारा सर्च, सारे राउट, सब कुछ इज्जत से बढ़िया से आपने टेस्ट किया है, तो वो जरूर कर लेना। एक दो छोटी चीजों का ध्यान रखना और जरूरी है कि जब तुम, अब तुमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से ये ऐप बनाया है मान लो, तो जब तुम इसको डिप्लॉय करने जा रहे हो तो उसको प्रोडक्शन मोड पे डिप्लॉय कर दो, वर्सल पे, Netlify पे, कहीं भी डिप्लॉय करो, लेकिन प्रोडक्शन मोड में डिप्लॉय करो। छोटी सी चीज है, लोग थोड़ा लेकर इसको पिकी हो जाते हैं, तो कर लेना। देखो अभी तुम्हें बैक एंड दिखाना, अभी तुम्हें ऑथेंटिकेशन दिखाना, ये चीजें जरूरी नहीं है, ये भी धीरे धीरे कर लोगे। अभी तुम्हें टाइप स्क्रिप्ट दिखाना, टेस्टिंग दिखाना, ये भी जरूरी नहीं है। तुम अगर किसी का प्रोजेक्ट देखोगे और उसमें सब कुछ बना रहेगा कि देखो मैंने ऐसा डेटा मॉडल बना दिया, फिर ऐसे इसमें रिडक्स भी लगा दिया, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी लगा दिया, इसमें रिड्यूसर भी लगा दिया, ओ माय गॉड, तुम इतना ओवरवेल्म हो जाओगे कि यार मुझे कितनी सारी चीजें सीखनी है, पर इतनी सारी चीजें नहीं सीखनी है।
ये भी सीखेंगे, पर धीरे धीरे करके, हौले हौले करके, एक एक स्टेप करके चीजों को लगाएंगे, सीख जाएंगे। जब इतना बन जाए, बैकएंड मिराज जैसे हो जाए, तो फिर जाओ शांति से एक्सप्रेस सीखो, मोंगोडीबी सीखो, MySQL सीखो, जो भी मन करे सीखो। फिर अलग से बैकएंड को एक अलग प्रोजेक्ट की तरह बनाओ, प्रॉपर ई कॉमर्स ऐप बनाओ कि उसमें क्या क्या लगते हैं, क्या क्या API कॉल्स लगते हैं, फिर इंटीग्रेट करो और आराम आराम से करो। लेकिन तब तक तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास ये फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है विद अ टेस्ट यूजर, तो तुम जगह जगह अप्लाई कर सकते हो और कोई भी आके जब देखेगा उसको, वो देखेगा अरे वाह बढ़िया चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है, अच्छा इसने सारे फिल्टर्स भी लगाए हैं, पेजिनेशन भी लगाया है, बहुत सारे फीचर्स है एडवांस जो उसमें लगा सकते हो फ्रंट एंड में बिना एक एक्सटर्नल बैक एंड के। उसके बाद अपने फुल स्टैक की जर्नी शुरू करो। तो ये मत सोचो कि मैं एक दिन सब कुछ सीखूंगा तब पहला प्रोजेक्ट बनाने जाऊंगा, नहीं, प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखो यार, आराम आराम से सीखो और एक साथ ढेर सारी लाइब्रेरीज, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारी चीजें सीखने की कोशिश मत करो। जैसा बताया है वैसा फॉलो करो, देखोगे कि प्रोजेक्ट्स बनने लगेंगे और देखोगे कि प्रोजेक्ट्स जब बनने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर जॉब में जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे तो अच्छे से समझा पाओगे अपने काम को। ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, अच्छे से बनाकर दिखा पाना जरूरी है। देखो ऐसे जमीनी हकीकत वाले जो बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस होती हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको एक कमेंट तो डालना ही होगा, शेयर तो करना ही होगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।